जैसे नीतीश हो गई लो रंडी के राज बना दिल औरत के हिजरा बना दिल मरद के अच्छा औरत के मरद बना दिल मैं सुमित चौबे फ्रॉम रिसेंट इंडिया। आज हम लोग अमनौर विधानसभा के बरके सिरसिया गांव में हैं। आज का हम लोग का चर्चा है बिहार विधानसभा चुनाव पे। आज हम लोग एक अपने गांव सिरसिया गांव के निवासी से बात करेंगे कि इनका राय क्या है। बात करते हैं अमनौर विधानसभा का, तो अमनौर विधानसभा में वर्तमान विधायक बीजेपी के शत्रुघ्न तिवारी उर्फ चोकर बाबा हैं, तो क्या इनको टिकट फिर से मिलेगा या नहीं? फिर यहाँ मंटू सिंह जहाँ तक रही यहाँ से टिकट की बात चोकर बाबा की, तो चोकर बाबा के टिकट यहाँ पे देख रहे उनका काम जो है ना, बस वो काम उनका बहुत कह नहीं सकते उतना। अब इसी गांव के मेरे ही गांव के देख लीजिए काम, गांव गिनवाइए कितना काम किए हैं, लोग उनको वोट देगा। मेरे गांव में कोई काम गिनवा दीजिए उनका। तो चोकर बाबा जब से चुनाव जीते हैं वहाँ, उसके बाद से बरके सिरसिया गाँव में, यहाँ हम लोग का बरके सिरसिया का राम जानकी मंदिर है, क्या यहाँ पे कभी आए हैं? नहीं, कभी नहीं है। इस मंदिर का जब एथी हो रहा था 9 दिन का जो अठजाम हुआ उसमें हम लोग बुलाने के भी गए थे, तब भी चोकर बाबा नहीं आए थे, एक बार भी नहीं आए। तो आप लोग नाराज चोकर बाबा से चल रहे हैं? नाराज इस बार उनको तो वोट, उनको टिकट भी नहीं मिलने वाला है, देखिए क्या होता है। तो फिर इस बार आप लोग का विचार किन पे है, किनको वोट करना है? हम लोगों का विचार है फिर से मंटू सिंह जी, उन्होंने इस गाँव के लिए बहुत काम किया है। जानना चाहते हैं कि इस बार का नौयुवा का मूड क्या है, इन्हीं से सरकार चल। तो सर आपसे हम पूछना चाहते हैं कि यहाँ पे अमनौर विधानसभा में मंटू सिंह या चोकर बाबा आप? अजी देखिए, टिकट किसी को भी मिले हम लोग जितवा तो मंटू सिंह को ही रहे हैं इसके आगे। और देखिए अभी मंटू सिंह से बड़ा नेता है अमनौर विधानसभा क्षेत्र में, आपको कोई नहीं मिलेगा। सब नाम के लिए सब नेता है सब, लेकिन अभी मंटू सिंह किससे बड़ा नेता है आपको अमनौर विधानसभा क्षेत्र में कोई नहीं मिलेगा, इसलिए हम लोग मंटू सिंह को ही जितवाएंगे। क्यों, चोकर बाबा तो एक बार विधायक है, इस बार वर्तमान विधायक अभी वही है, तो इस बार आप लोग? चोकर बाबा ठीक है विधायक थे, लेकिन वो कभी भी आज तक हम लोग के क्षेत्र में कभी नहीं आए हैं, तो हम लोग कैसे मान ले? एक मंटू सिंह ही नेता है जो हम लोग के क्षेत्र में रेगुलर आते रहते हैं, इसलिए हम लोग को उन पे ज्यादा उम्मीद रहता है कि वही कुछ करेंगे, इसलिए हम लोग मंटू सिंह को ही वोट देंगे। और उनको टिकट अगर इस बार मान लीजिए नहीं मिलता है तो फिर आप लोग किसको वोट करेंगे? जहां बात रहा टिकट नहीं मिला, ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता कि उनको टिकट नहीं मिलेगा, ये तो कंफर्म है कि उनको टिकट मिलना ही मिलना है। नहीं भी मिलेगा तो वो अपना खड़ा होके निर्दलीय ही खड़े होंगे। कहने का मतलब है कि नीतीश कुमार को हम लोग कुछ नहीं मानते, हम लोग नेता मंटू सिंह को ही मानते हैं, ठीक है। इसलिए जी निर्दलीय आएंगे तो भी उन लोगों का ही हम लोग साथ देंगे। हम लोग नीतीश कुमार के नेता, हम लोग मंटू सिंह का नेता मानते हैं। हम लोग तो अगर तो मंटू सिंह को अगर इस पर टिकट नहीं मिलता, अगर वो निर्दलीय लड़ते हैं तो उनके साथ खड़े रहेंगे, तो आप लोग इस पर मंटू सिंह को ही सपोर्ट करेंगे? आप लोग का पूरा मूड है कि मंटू सिंह को ही जिताना है? मंटू सिंह ओनली मंटू सिंह। यहाँ चोकर बाबा का खाता भी नहीं खुलेगा? मंटू सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चलिए मैं सुमित चौबे फ्रॉम रिसेंट इंडिया। आज हम लोग अमनौर विधानसभा क्षेत्र के भियावान गांव में हैं। आज हम लोग का मुद्दा है बिहार विधानसभा चुनाव। तो सर यहां से जदयू से मंटू सिंह और बीजेपी से चोकर बाबा हैं, तो आपको क्या लग रहा है किन्हें टिकट मिलेगी? कल टिकट वितरण होने वाला है, तो किन्हें टिकट मिलेगी? टिकट तो चोकर बाबा को ही मिलना चाहिए और उन्हीं को मिलेगा। तो चोकर बाबा को ही टिकट मिलेगा? और आप लोग का मूड क्या है, किसे वोट देना है इस बार? हम लोग को वोट तो बीजेपी को ही देना है और चोकर बाबा को ही देना है। तो मान लीजिए अगर चोकर बाबा का टिकट मिलता है और मंटू सिंह उसके बाद निर्दलीय लड़ते हैं, तो फिर आप लोग चोकर बाबा को वोट देंगे या मंटू सिंह? चोकर बाबा को ही देंगे। तो चोकर बाबा को आप लोग क्यों वोट देंगे? वो क्या कुछ काम किए हैं उस बेसिस पर देंगे या फिर बीजेपी के बेसिस पर उन्हें वोट करेंगे? नहीं नहीं, उन्होंने बहुत सारा काम किया है और समाज के तौर पर देखा जाए, सामाजिक तौर पर देखा जाए तो वो गांव-गांव जाकर के हर एक पब्लिक के साथ मिलजुल करके बात करते हैं, सभी का समाधान करते हैं। सर आपका मूड क्या है? हमारा तो मूड है बीजेपी। तो आप भी बीजेपी को वोट करेंगे? हाँ वोट करेंगे बीजेपी। चोकर बाबा को ही? चोकर सर आपका मूड क्या है? चोकर बाबा चोकर बाबा चोकर बाबा चोकर बाबा सर आपको क्या काम पसंद है? बहुत सारे काम है जो पसंद है। कुछ काम हमें भी बताइए जो हमको भी पसंद है। पब्लिक का समाधान करते हैं, जाकर
चोकर बाबा यहाँ आते हैं आप लोग से मिलते हैं? मिलते हैं जी। चलिए सर, आपका मूड क्या है सर? हमारा मूड सुनील भैया है। सुनील जी को वोट करेंगे? जी जी सुनील जी की। तो आप बीजेपी और जदयू के खिलाफ क्यों हैं सर? सुनील जी का कोई काम आपको पसंद है क्या? हाँ जी पसंद है जी। क्या है सर वो, क्या काम किए हैं क्षेत्र में अगर बिन विधायक रहते हुए? अरे विधायक कहाँ है, विधायक होंगे तब ना काम करेंगे। वही तो हम बोल रहे हैं सर, बिन विधायक रहते हुए कुछ काम किए हो? विधायक रहते हुए काम किए हैं ना। हम लोग युवा लड़का को पूरा सपोर्ट करते हैं भरपूर जी। युवाओं का मूड है सुनील जी जी। कर बाबा को ही वोट पड़ेगा? हाँ जी पड़ेगा। और अगर मंटू सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो फिर क्या करेंगे आप लोग? टिकट वाला कर दिया जाएगा। चुनाव में से आप किसे कीजिएगा? चोकर बाबा। सभी लोग चोकर बाबा को वोट करेंगे? चोकर बाबा को दिया जाएगा। कुछ नहीं चोकर बाबा सर वालों के कुछ मदद नहीं मिला तब हम वोट देवे चोकरे बाबा के वालों को मूड बा। माने कहत ऐसे कि ऐसे है तो देंगे हम सब। हम तो चोकर बाबा को देंगे वोट। तो ऐसा आपका मूड है चोकर बाबा को देने का? अगर चोकर बाबा को यहाँ से टिकट नहीं मिलता, मंटू सिंह को टिकट मिलता है तो फिर आप किन्हें वोट करेंगे? उधर ही हम देंगे। किधर? चोकर बाबा के। जैसे नीतीश हो गए रंडी के राज बना दिल औरत के हिजरा बना दिल मर्द के। अच्छा औरत के मर्द बना दिल। वो नीतीश कुमार से असली दुश्मनी बना है एकदम बा। सामने बेटा जैसा मार थापर के गोलियों का जरूर नहीं उड़वा दे। अच्छा कुछ काम ऐसे बताए नीतीश कुमार के जरूर साफ पसंद नहीं है। लड़का के गिरा दिलन गारा में, लड़की के आसमान पर उठा दिलन, मर्द के वैल्यू खराब करके औरत के सब स्कूल में जाना के कख नहीं खिया तू ए बी सी डी पढ़ावे चल देता।